हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। तो ये आपका पार्ट 4 मैं लेके आया हूँ, ठीक है, जैन जैन बुद्धिज्म का। तो 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसने नहीं देखे वो देख ले, और जिसने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो भी कर ले, क्योंकि सारे PDF वगैरह आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए पार्ट 4 है, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। अभी तक हमने काफ़ी सारी डॉक्ट्रिन के बारे में बात कर ली है जैनिज्म की, और कुछ लास्ट ये पार्ट कुछ बच रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट हैं ये देखने ज़रूरी हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव करेंगे जैनिज्म के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैनी आर्टिशंस एंड ट्रेडर्स वर्कड हु यूज द कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। द अर्लीस्ट कॉइन रिलेटेड टू 5th सेंचुरी BC एंड दे वर जनरली ऑफ द पंचमार्क वेराइटी। मतलब कि जो इनिशियली पहले कॉइन्स इंडिया में यूज़ हुए थे 5th सेंचुरी BC में, वो जनरली सारे पंचमार्क थे। मतलब कि जो ठप्पा लगाए थे, जो मोहर लगाते हैं, उस तरह के कॉइन थे, किसी कपड़े के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर, ठीक है। दे सर्कुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। और ईस्टर्न यूपी एंड बिहार में क्यों पहली बार सर्कुलेट हुए? क्योंकि उसी समय जो है, जो सारे के सारे जितने भी आर्यंस थे मूव कर गए थे इस तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। सारे जितने भी इनिशियल किंगडम्स हैं, सारे के सारे ईस्टर्न यूपी या बिहार के आसपास के क्षेत्रों में बसे थे। तो पहले डेफिनेट सी बात है कि पहले जो कॉइन है वो भी वहीं पे चले होंगे, और ये क्वेश्चन भी UPSC में आया हुआ है, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। द यूज़ ऑफ द कॉइन्स नेचुरली फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स विच एडेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द वैश्या द थर्ड क्लास। मतलब कि ये तीसरा जो वर्ग था उसको इसने ट्रेड और व्यापार इससे हुआ कॉइन के बढ़ने से, तो उनको बहुत ज़्यादा सुविधा हुई वैश्यों को। उसके बाद यहाँ लिखा है इन द ब्राह्मणिकल सोसाइटी द वैश्यास एज वी हैव नोटेड रैंक्ड थर्ड आफ्टर द ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास नेचुरली देश सॉट ए रिलीजन दैट वुड इम्प्रूव देयर पोजिशन। तो आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया था बौद्धिज्म एंड जैनिज्म को, और जितने भी सेक्ट थे उस समय, उसको वैश्यों या फिर जो जितने भी आपके जो वणिक वर्ग था, जो जो आपका व्यापारिक क्लास थी, जो मर्चेंट क्लास थी, उसने सपोर्ट किया, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते थे। क्योंकि ब्राह्मणों बनाए द्वारा या वेदों द्वारा बनाई गई व्यवस्था में उनका स्थान तीसरे नंबर पे आता था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेचुरली दे सॉट रिलीजन दैट वुड इम्प्रूव देयर पोजिशन बिसाइड द क्षत्रियास एंड द वैश्यास एक्सटेंडेड जनरस सपोर्ट टू बोथ महावीरा एंड गौतम बुद्ध। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से एक बार में कर ली। द मर्चेंट्स कॉल्ड द सेठीज। ये सेठीज वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, सेठी ये वर्ड आएगा किसी PCS में, पूछेंगे ये लोग, UPSC में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट प्लीज याद रख लेना, क्योंकि सेठी का मतलब होता है मर्चेंट, ठीक है। आप सेठ से समझ सकते हो, सेठ सेठ जी होते हैं ना हमारे यहाँ, तो मतलब व्यापारी होते हैं, यानी मर्चेंट होते हैं। तो सेठीज का मतलब होता है यहाँ पे आपको लगाना है मर्चेंट्स। वैसे काफ़ी ऑब्वियस वर्ड है, आप लगा दोगे ऐसे, फिर भी बट याद रख लेना। तो जितने भी सेठीज थे उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए किसको? गौतम बुद्ध को एंड हिज डिसिपल्स, यानी उनके शिष्यों को। देयर वर सेवरल रीजन्स फॉर इट। इसके बहुत सारे कारण थे गिफ्ट देने के। क्या क्या थे? देखो, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एट द इनिशियल स्टेज डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू द एग्जिस्टिंग वर्ण सिस्टम। देखो क्या था कि इनिशियली जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म ने जो वर्ण सिस्टम था, मतलब सोसाइटी में उस समय चल रहा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला, तो उससे इन लोगों ने खुद को अपने आप को अटैच नहीं किया था। उसका रीज़न क्या था कि महावीरा और जो बुद्धा थे वो टोटली इसके अगेंस्ट थे इनिशियली। इसके बाद देखते हैं, सेकेंडली दे प्रीच द गॉस्पेल ऑफ नॉन वायलेंस। मतलब नॉन वायलेंस के बारे में उन्होंने बताया, विच वुड पुट एन एंड्स टू वॉर बिटवीन डिफरेंट किंगडम्स एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो, गौतम बुद्ध और महावीर की शिक्षा में अहिंसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट उनका जो फैक्टर था। तो अहिंसा का जब उन्होंने पाठ पढ़ाया, तो जैसे उस समय बहुत सारे महाजनपद, जैसे मैंने आपको बताया 16 महाजनपद के बारे में, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। तो 16 महाजनपद जो था उस समय लड़ाइयाँ होती थी आपस में, तो जब इन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया तो लड़ाइयाँ होनी हो गई बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। तो लड़ाइयाँ कम हो गई तो फ़ायदा किसका होगा? लड़ाइयाँ होंगी नहीं तो राजाओं का फ़ायदा होगा नहीं, ब्राह्मणों का तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि एकदम उनके अगेंस्ट थे। शूद्र को कोई मतलब था नहीं क्योंकि वो सेवा में रखते और मतलब दास प्रथा के अंदर उनका स्थान हो गया था। तो बचे आपके केवल और केवल वैश्य, यानी कि जो आपका जो वणिक क्लास थी आपकी, जो मर्चेंट क्लास थी, तो वो जो है उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्थान हुआ इसकी वजह से, क्योंकि डायरेक्टली उनको फ़ायदा हुआ। जब लड़ाई होगी नहीं तो क्या हो, केवल ट्रेड होगा ना, केवल व्यापार होगा, तो इस चक्कर में उनका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड द ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स कॉल्ड द धर्मसूत्र। ये ब्राह्मणों की एक मतलब ब्राह्मण शास्त्र इसको कहते हैं, धर्मसूत्र इसको कहते हैं। तो धर्मसूत्र ने क्या कहा था? लैंडिंग मनी एट इंटरेस्ट एंड कमेंडेड कंडेम्ड। मतलब कि लैंड मतलब होता है कि धन को सूद पे देना, यानी ब्याज पे देना, जो धर्मशास्त्र था, धर्मसूत्र था ब्राह्मणों का ग्रंथ, उसमें इसको निषेध माना गया था, इसकी उपेक्षा की गई थी, इसको गलत माना गया था। अब देखो तीनों ही फैक्टर हो गए। एक तो पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया यहाँ पे वर्ण सिस्टम वाला, ठीक है, उससे फ़ायदा हुआ। किन को फ़ायदा हुआ? तीसरी जो क्लास है, जो वैश्य है, ठीक है।
और दूसरा जो फ़ायदा हुआ नॉन वायलेंस की वजह से हुआ, तीसरा जो फ़ायदा हुआ धर्मशास्त्र यानी कि जो सूद पे पैसे देने वाली बात है, इसका अपोज नहीं किया था किसने, जो महावीर और बुद्धा ने, लेकिन इसका अपोज किया था ब्राह्मणों ने। कहाँ लिखा है ये, धर्मसूत्र में लिखा हुआ है। तो तीन फायदे ये हो गए तीन, ठीक है। अगला देखते हैं, देयर फॉर द वैश्याज वैश्याज हु लेंट मनी बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग ट्रेड एंड कॉमर्स वर हेल्ड इन द लो एस्टीम एंड लुक्ड फॉर बेटर सोशल स्टेटस। ये सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है, ये बात याद रख लेना जो मैंने बताई थी। आगे बढ़ते हैं, ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो नोटिस ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। सही बात है, ओल्ड फैशन पीपल डिड नॉट लाइक द यूज़ एंड अकोमोलेशन ऑफ द कॉइन्स मेड सर्टेनली ऑफ द सिल्वर एंड कॉपर एंड पॉसिबली ऑफ द गोल्ड, ठीक है। दे डिसलाइक द न्यू ड्वेलिंग एंड क्लॉथ्स, न्यू लग्जरीज सिस्टम्स एंड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिसलाइक्ड वॉर एंड वायलेंस, ठीक है। द न्यू फॉर्म ऑफ अभी मैं बताता हूँ उसका मतलब, द न्यू फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटीज एंड कॉज्ड मिजरीज एंड सफरिंग टू द मास ऑफ द ऑर्डनरी पीपल, ठीक है। देयर फॉर द कॉमन पीपल ये अर्न टू रिटर्न टू ए प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल टू द एस्केटिक आइडियल्स विच डिस्पेंस्ड विद द न्यू फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी एंड न्यू लाइफ स्टाइल ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ द लाइफ, ठीक है। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रोनाउंस सिंपल एंड प्योरिज्म एस्केटिक लिविंग। देखो कहने का मतलब ये है कि उस समय के जो पुराने लोग थे, जब जैसे ऐसे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ उस समय, तो जो पुराने लोग थे वो कहते थे कि जो नए नए आप सिस्टम लेके आ रहे हो, नए नए तरीके लेके आ रहे हो, जो नए नए सिक्के और नए नए धातुएं आप यूज़ कर रहे हो, जो ट्रेड बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, इनको पसंद नहीं था। और जो पुराने लोग थे वो इतना ज़्यादा जो नई नई चीज़ें आ रही थी, विलासिता की नई नई वस्तु आ रही थी, इसके पूरी तरह खिलाफ़ थे। तो उनको चाहिए था कोई एक ऐसा धर्म, एक ऐसी चीज़ जिसमें वो अपने पुराने जितने बिलीफ थे उनको अप्लाई कर सकें। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के थ्रू उनके पुराने विचारों को आश्रय मिलने का नया स्थान प्राप्त हुआ। ये मैं सोशल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस उन ऐसे विचारों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप डेवलपमेंट को थोड़ा पीछे कर देते हो, और जो मॉन्क लाइफ होती है, जो एस्केटिक लाइफ होती है, यानी जो वैराग्य वाली लाइफ होती है, जो सन्यासी वाली लाइफ होती है, उसको आगे करने की यहाँ पे बात की गई थी। तो उसको सपोर्ट किया किसने, ओल्ड पीपल ने, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा ओल्ड पीपल। किसी के आप ऑर्डनरी पीपल भी लगा सकते हो, बिकॉज ऑर्डनरी पीपल आर ओल्ड इन देयर थॉट्स एट दैट टाइम। समझ में आ रहा है मेरे बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ब्लैक वाला पढ़ना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। दिस वन, द बुद्धिस्ट एंड द जैना मॉन्क्स वर आस्क्ड टू फोरगो द गुड थिंग। फोरगो मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, त्यागना। द गुड थिंग्स ऑफ द लाइफ विच नॉट परमिटेड टू टच गोल्ड एंड सिल्वर दे वर अलाउड टू एक्सेप्ट ओनली एज मच एज फ्रॉम देयर पैट्रॉन्स एज वॉज सफिशेंट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। दे देयर फॉर रिबेल्ड अगेंस्ट द मटेरियल एडवांटेज स्टेमिंग फ्रॉम द न्यू लाइफ स्टाइल ऑफ द गैंगेटिक गैंगेटिक बेसिन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स थे, उन्होंने मतलब जितनी भी लग्जरियस चीज़ें थी उनको त्यागा। तो इससे हुआ क्या, देखो इससे हुआ ये कि जो भी नया लाइफ स्टाइल उस समय उभर के आ रहा था गंगा बेसिन में, मैंने आपको पूरा बताया, महाजनपद काल अगर आपने नहीं पढ़ा जाके पढ़ लो, डिटेल में सारी बातें हो चुकी हैं। तो उस समय जो नया लाइफ स्टाइल हमने डिटेल में पढ़ा था, और वो जो नया इमर्जों के सामने की ओर आया था, सबके सामने आया था, तो उसके खिलाफ़ जो लोगों के बीच में एक रोष था, कुछ लोग चाहते थे ऐसा ना हो, तो उससे इनकी जो थॉट प्रोसेस है बुद्धिस्ट एंड जैनिज मॉन्क की, वो मैच हुई, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, मतलब इस न्यू रिलीजन को एक्सेप्ट भी किया उन लोगों ने। ये बात फिर से लिखी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो टच नहीं करते थे गोल्ड और सिल्वर को, मतलब वही लग्जरी चीज़ से दूर रहना और उतना एक्सेप्ट करना जितना कि उनकी आत्मा और शरीर के लिए, पोषण के लिए ज़रूरी हो। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, इन अदर वर्ड्स वी फाइंड द सेम काइंड ऑफ द रिएक्शन अगेंस्ट चेंजेस इन द मटेरियल लाइफ इन द मिड गंगेटिक प्लेन्स इन द 6th सेंचुरी एंड 5th सेंचुरी BC एज अगट अगेंस्ट द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाई द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। तो जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था अभी 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी के टाइम पे, तो उस समय क्या होता है कि जैसा कि हमारा रिएक्शन आता है, तो बहुत बड़े मास रिएक्शन आता है कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको इस तरह से। और जो जैसे इंसान साइंस की तरफ बढ़ता है, अपने जितने भी रिचुअल्स और जितने भी अंधविश्वास उनको छोड़ के साइंस की तरफ बढ़ता है, तो उसका अपोज हुआ था ना, इसको हम नवजागरण काल कहते हैं हिंदी में। और ऐसा ही जो विरोध है उस समय वहाँ की सोसाइटी ने किया था 5th सेंचुरी BC और 6th सेंचुरी BC में। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, तो जितना विरोध करने वाले थे वो इसके खिलाफ थे, और वो सपोर्ट करते थे जैनिज्म और बुद्धिज्म को। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म जस्ट लाइक ए एस्केटिक लाइफ, यानी वैराग्य वाली लाइफ, यानी कि सीधी साधी सिंपल वाली लाइफ। समझ में आई मेरी बात, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।
यहाँ देखो, ये पूरी की पूरी बात हो चुकी है, ठीक है, ये सारी बात हम कर ली है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नए पॉइंट अलग से लिखे हैं, महावीरास फैमिली वाज कनेक्टेड विद द रॉयल फैमिली ऑफ मगध एंड सच हाई कनेक्शंस मेड इट इजी फॉर हिम टू अप्रोच प्रिंसेस एंड नोबल्स इन द कोर्स ऑफ मिशन। देखो ऐसा था कि उनके मामा भाई भतीजा जितने भी थे, पापा मम्मी सारे के सारे जितने रॉयल फैमिली से थे, क्योंकि महावीरा खुद जांत्रिक क्लेन से आते थे, ठीक है, मतलब खुद एक राज परिवार से आते थे, बहुत अच्छे कुल से आते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें फ़ायदा हुआ अपनी जो शिक्षा है उनको फैलाने में। फ़ायदा कैसे हुआ, क्योंकि जब आपके सगे संबंधी लोग इतने बड़े ओहदे बहुत पहुँच पे होते हैं तो क्या होता है, आपको आसानी होती है अपनी बात को पहुँचाने में, तो मतलब ये लिखा है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हिज क्वेस्ट फॉर द ट्रुथ ही अबैंडन्ड द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 30 एंड बीकेम एन एस्केटिक। ये पूरी बातें हो चुकी हैं। ही वांडर्ड फॉर 12 ईयर्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस नॉट स्टेइंग फॉर ओवर ए डे इन ए विलेज एंड मोर देन 5 डेज इन ए टाउन। देखो ये बात यहाँ पे अलग है इसलिए लिखी है मैंने, ठीक है। जो महावीर 12 साल घूमे हैं ना ज्ञान प्राप्ति कैवल्य प्राप्ति के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी जगह वो एक दिन से ज़्यादा नहीं रुके, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट स्टेइंग फॉर ओवर ए डे इन ए विलेज, मतलब वो इतना घूमे, यहाँ कहने का मतलब ये इतना उन्होंने भ्रमण किया 12 साल कि किसी एक गाँव में वो पूरे दिन नहीं रुके और किसी एक टाउन यानी छोटे से कस्बे या शहर में वो 5 दिन से ज़्यादा नहीं रुके। इफैक्ट पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आप याद रख सकते हो कि उन्होंने कितना अथक प्रयास किया था अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लॉन्ग जर्नी ऑफ द 12 ईयर्स इट इज़ सेड ही नेवर चेंज्ड हिज क्लोथ्स। ऐसा कहा जाता है कि 12 साल की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कभी अपने कपड़े नहीं बदले थे, वही कपड़े बदले थे, और फाइनली जब 42 साल की एज में उनको कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्होंने कपड़े अपने जो पुराने कपड़े थे 12 साल से पहने हुए थे वो एक बार में निकाल दिए और उसके बाद कभी भी कपड़े नहीं पहने, यानी कि ही फॉरगो द क्लोथ्स फॉर लॉन्ग टाइम और कह सकते हैं फॉर परमानेंटली, ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये सारी बातें वही लिखी हैं, ठीक है, ये सारी बातें वही लिखी हैं। केवल कौनकर कौनकरर वाली सारी बातें हो गई हैं, जिन वाली बात हो गई, ग्रेट हीरो कहते हैं, जिन कहते हैं, कौनकरर कहते हैं, ठीक है। देखो जिन से ही मिलके बना है, जिन से ही बना है वर्ड जैन, ठीक है, ये बात सारी हो चुकी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या लिखा है, कुछ नई बातें लिखी हैं यहाँ पे। ही प्रोपोगेटेड हिज रिलीजन फॉर 30 ईयर्स, मतलब कि 42 के बाद 30 आप जोड़ दो, 42 के उनको कैवल्य मिल गया, 30 साल बाद फिर वो और उन्होंने घूम घूम के शिक्षाएँ फैलाई हैं, तो उसके बाद जो है 30 साल उन्होंने और घूमा, मतलब कि वो शिक्षाएँ फैलाई। एंड हिज मिशन टुक हिम टू कौशला मगध मिथिला चंपा एंड द एल्सवेयर। एक बार ये सारे जरा एरियाज देखें जरा आप, ठीक है ना, जब आप सारे स्टेट पढ़ेंगे, कौशल कौशल मतलब कि अवध या अयोध्या वाला पार्ट, ठीक है, और उसके बाद आप पढ़ोगे मगध, मगध यानी बिहार वाला पार्ट, मिथिला यानी कि आपका वही जो नेपाल की तलहटी वाला पार्ट है वो, चंपा यानी कि आपका झारखंड और कुछ हिस्से बिहार के, और एल्सवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो ये ईस्टर्न वाला इंडिया है यानी वेस्ट बंगाल से इधर वाला, तो ये पूरा उन्होंने कवर किया है, ये बिल्कुल भी इधर नहीं आए हैं, कहाँ, अवंती या इधर उज्जैन की साइड बिल्कुल नहीं आए हैं, ना इधर गए हैं, ठीक है, यूपी की साइड, वेस्टर्न यूपी की साइड, मतलब ये पर्टिकुलर इनका एरिया रहा ईस्टर्न यूपी वाला या बिहार वाला, ठीक है, समझ में आ गई बात, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और 72 साल की उम्र में मर जाते हैं, 468 BC में इनकी डेथ हो जाती है। कुछ ऑथर कहते हैं कि इनकी डेथ 527 BC में हुई, पर आर्कोलॉजिकली सपोर्ट नहीं करता है ये आइडिया कि इनकी डेथ 527 BC में हुई हो। इसके अलावा डेथ कहाँ पे हुई है, पावापुरी में, पावापुरी क्या, पावापुरी का डिस्कस किया हमने, कहाँ पे जाके पढ़ सकते हो आप, कहाँ डिस्कस किया हुआ है, महाजनपद वाले चैप्टर पावापुरी के बारे में डिस्कस किया। पावापुरी क्या था, पावापुरी कुशीनगर की कैपिटल थी, और यहाँ पे आप देख लो एक चीज़, ये सारी बातें हो गई फिर से एक बार, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये वही लिखा है सपोर्ट नहीं करता है इस बात को। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि जिन जिन नगरों में उन्होंने घूमा, जिस शहर में उन्होंने घूमा था, उनका तो अस्तित्व ही नहीं आया था 520 तक, तो 527 में डेथ हो ही नहीं सकती उनकी, क्योंकि डेथ तो तब होगी ना जब उनके बारे में लिखा है इन शहरों में गए और वो शहर बने नहीं है आर्कियोलॉजिकली, हमने कार्बन डेटिंग से पता किया। तो सारी बातें हैं एक बार कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, सारा आना ही से वैसे भी। चलो आगे देखते हैं। जैनिज्म अटैच्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंस टू अहिंसा, सीधी सी बात है, और नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। अब तो देखो सब चीज़ रिवाइज होंगी, ठीक है। समटाइम्स इट लेड टू एब्सर्ड रिजल्ट्स फॉर सम जैन किंग्स ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्संस गिल्टी फॉर किलिंग ऑफ एनिमल्स, ऑल्दो पार्ट्स ऑफ महावीरास प्रिसीडर
ठीक है, हैड आस्ड हिज फॉलोअर्स टू कवर द अपर एंड द लोअर पोर्शन ऑफ देयर बॉडीज, महावीर आस्ड देम टू डिस्कार्ड द होल ऑफ द क्लोथिंग ऑल टुगेदर। दिस इम्प्लाइज दैट महावीर आस्ड हिज फॉलोअर्स टू लीड ए मोर ऑस्टियर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। इन लेटर टाइम जैन इज स्प्लिट इंटू टू सेक्ट्स, और द हु डोंड वाइट गारमेंट्स एंड दिगंबरास वर रिमेन नेक्ड। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है, दो चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी। सुनो, पहला पॉइंट तो ये है कि देखो, अहिंसा को बहुत बड़ा इसमें जो है माना गया है जैन धर्म में, आपको सबको पता है, पूरी बात हो चुकी है। लेकिन क्या है कि कुछ राजाओं ने ऐसे आदेश दिए हैं जो कि जैन धर्म को पैटर्नाइज करते थे, कुछ राजाओं ने ऐसे आदेश दिए हैं कि किसी जंतु की हत्या करने पे उनको सजा देने का प्रावधान किया जिन्होंने जीवों की हत्या करी। तो जब आपको जीवों की हत्या करने पे सजा मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि आप उनको सजा क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो भी तो एक जीव है ना जिसको आप सजा दे रहे हो। तो दोनों बात कॉन्ट्रडिक्टरी ऐसे हैं कि आप इसको मार रहे हो तो आप इसको क्यों मार रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल एक्सप्लेन। इसके बाद दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, जो हमारे महावीर थे वो थे 24 नंबर, ठीक है, आपके जो जो मॉन्ग थे 24 नंबर, और 23 नंबर पे कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ ने क्या कहा था कि आप शरीर के ऊपरी हिस्से पे भी और शरीर के निचले हिस्से को भी ढक के रखें कपड़ों से, लेकिन महावीर ने कहा आप सारे कपड़े त्याग दीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, और इसी वजह से जो है बाद में जो है दो सेक्ट में डिवाइड हो जाता है हमारा, श्वेतांबर और दिगंबर में। कहीं ना कहीं बात पहले से चली आ रही थी। और क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे आ सकता है कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो इफेक्ट है वो क्या केवल हमें महावीर की डेथ के बाद दिखाई देता है? आंसर होगा नहीं, वो पहले से चला आ रहा था। इस समय इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही हो रहे थे कि क्या हमें कपड़ों को पूरी तरह त्यागना चाहिए या नहीं त्यागना चाहिए। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पार्श्वनाथ हैं नंबर 23 तीर्थंकर, तो उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया है कि कपड़े पहनने वाली बात को। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे लिखा है, जैनिज्म में रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड बट प्लेस देम लोअर देन द जिना। देखो ये बात बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी, कहीं पे लिखा है बिल्कुल भगवान को नहीं माना गया है और कहीं पे लिखा है कि भगवान को माना गया है। तो इस बात को तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ये मान के चलो भगवान को नहीं माना है, क्योंकि जब आत्मा की प्रभुत्वता को आप जब पैटर्नाइज करते हैं, आप कहते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, तो भगवान का अस्तित्व वहाँ रह नहीं जाता। देखो भगवान क्या है, कोई एक मूर्ति का नाम भगवान देते हैं लोग ये, ठीक है। अगर आप आत्मा को भगवान के रूप में लेंगे जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, तो फिर आपके लिए कोई बात दिक्कत वाली रह नहीं जाती है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। लेकिन अगर आप एक किसी बुत को या किसी स्टैचू को आप भगवान के रूप में पूजेंगे, तो वो भगवान जिसके बारे में बात की उससे अलग हो जाएगा। तो थोड़ी डीप में बात बता रहा हूँ मैं, उम्मीद समझ में आई होगी। तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पे लिखा है, किसी और ऑथर की बुक से मैंने उठाया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है भगवान को माना तो गया है, लेकिन जो जिन है, जिन क्या होता है, जो कैवल्य प्राप्त कर लेता है, तो उससे नीचे इसको माना गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा है कि भगवान को बिल्कुल ही नकारा गया है, देर इज़ नो क्रिएटर और नो गॉड एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, नहीं ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दे डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम एज बुद्धिम डिड। तो इन्होंने मतलब कि जैसे वर्ण सिस्टम है इसको बिल्कुल डिनाई नहीं किया, बुद्धिज्म ने तो पूरी तरह वर्ण सिस्टम को डिनाई कर दिया था। अकॉर्डिंग टू द महावीर, ए पर्सन बॉर्न इन द हाई और द लोअर वर्ण एज कॉन्सिक्वेंसेज हिज सेंस कमिटेड टू द वर्चूज एक्वायर्ड बाई हिम इन हिज प्रीवियस बर्थ। देखो क्या कहने का मतलब यह है कि महावीर ने कहा था कि कोई उच्च कुल में जन्म लेगा या लोअर कुल में जन्म लेगा, वो इस बात से डिपेंड करेगा कि आपने पिछले या पूर्व जन्मों में कितने पाप वाले कार्य किए हैं। पाप का मतलब है डायरेक्टली अहिंसा से लेना आप, ठीक है, कितनी उसने अहिंसा करी है, और कितने भी बाकी जो पांच यहाँ पे महाधर्म बताए गए हैं इसमें, उसमें से आपने कितनी चीज़ों का वायलेशन किया है। तो उसके बेस पे आपको अगले जन्म में लोअर कास्ट कह लो या अपर कास्ट कह लो या लोअर कुल या अपर कुल कह लो, उसके हिसाब से आपको जन्म मिलेगा, ऐसा महावीर कहते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में आपके महात्मा बुद्ध ने यानी कि सिद्धार्थ ने ऐसी कोई भी बात नहीं करी थी। ठीक है, इन हिज ओपिनियन, उनके विचार में, बाय लीडिंग प्योर मेरिटोरियस लाइफ, मतलब होता है कि आप किसी से मतलब लगाव रखें, इसको मेरिटोरियस बोलते हैं इंग्लिश में, और प्योर एंड मेरिटोरियस लाइफ मेंबर्स ऑफ द लोअर कास्ट कैन अचीव लिबरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि महावीर ने ये कहा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, छोटी जाति के जो लोग हैं, जो उस समय जाति प्रथा स्टार्ट हुई थी उस समय, तो उसमें आप क्या है कि अगर आप अपने आप को प्योर करें, अपनी आत्मा को पवित्र करें और बहुत ही एक वर्चुअस लाइफ को जिए, मतलब कि जितने भी जैन धर्म के सारे सिद्धांत हैं उनका पालन करें, तो आपको मुक्ति मिल सकती है, मतलब आपको भी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। महावीर लुक्स फॉर ह्यूमन वैल्यूज इवन इन द चांडाला। देखो चांडाल में महावीर ने जो है ह्यूमन वैल्यू को देखा। तो चांडाल का मतलब क्या होता है, बहुत ही
समझ सकते हो, बहुत ही दुर्गुणी व्यक्ति कह सकते हो, या फिर बहुत ही जिसके अंदर बुराई है उसको चांडाल कहते थे। तो चांडाल के अंदर भी महावीर ने स्टेटमेंट डायरेक्ट लुक कह सकता है कि महावीरा हैड लुक्ड द ह्यूमन वैल्यूज इवन इन द चांडाला, यस और नॉट। तो आपको वहाँ यस करना है, ठीक है ना, समझ में आ गया। लोअर कास्ट वाली बात हमने कर ली, कास्टिज्म को मानते थे जैन, इस बात बिल्कुल प्रूव हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जैनिज प्रिंसिपली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्ड्स, नो रिचुअल इज नेसेसरी फॉर सच लिबरेशन। देखो यहाँ से ध्यान से पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नो जैनिज प्रिंसिपली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्ड्स, नो रिचुअल इज नेसेसरी फॉर सच लिबरेशन, इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। दीज थ्री आर कंसिडर्ड टू बी द थ्री ज्वेल्स ऑफ द थ्री रत्न इन द जैनिज्म। तो ये सारी बात इसमें कुछ है नहीं, पढ़ चुके हैं पूरा पीछे हम। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है, देखो इससे क्या होता है ना, देखो यहाँ लिखा है, इस बात से क्या निकल के आता है, नो रिचुअल इज नेसेसरी फॉर सच लिब्रेशन। इसका मतलब ये है, रिचुअल का मतलब यहाँ पे ये है कि आप वेदों की बात कर रहे हो, समझ लो आप, जहाँ आपको रिचुअल दिखाई दे ना वर्ड जैनिज्म और बुद्धिज्म में, आप समझ लेना वेदों की बात हो रही है। तो जब आपने रिचुअल को नहीं माना मतलब वेदों को नकारा, ये बात तो प्रूव है, पढ़ते आ रहे हैं पिछले 3 पार्ट में हमने बहुत बात करी इस बारे में कि वेदों की सत्ता को उसने, इन्होंने जो है महावीर ने, मतलब कि जैनियों ने वेदों की सत्ता को एकदम नकार दिया, मतलब वेद कुछ होते ही नहीं है। लेकिन वेदों के कुछ रिचुअल्स जैसे कि मॉन्क बनना, संन्यास ग्रहण करना, वो सारी की सारी बातें तो पुरानी चीज़ों से ही चली आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक थोड़ा बहुत जो है पार्शल इन्होंने वेदों की डॉक्ट्राइन को भी अपने अंदर शामिल किया, लेकिन वेदों की जो टीचिंग्स हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनको इन्होंने अपने उसमें कहीं भी शामिल नहीं किया। लेकिन कोई आपसे पूछे कि आप वेदांत की शिक्षाओं को शामिल किया, तो भैया पूरा का पूरा जैनिज्म और बुद्धिज्म निकला ही वेदांत से, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। वेदांत मतलब उपनिषद। आगे देखते हैं, जैनिज्म प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ, यहाँ देखो ये बात भी हो चुकी पहले, जैनिज्म प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ द वार्स एंड इवन एग्रीकल्चर फॉर इट्स फॉलोअर्स, बोथ इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ लिविंग बींग्स, सारी बात हो चुकी है। इवेंचुअली द जैनास प्रिंसिपली कन्फाइंड टू देम सेल्फ टू ट्रेड एंड द मर्चेंटाइल एक्टिविटीज, सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महावीर ऑर्गेनाइज एन ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स दैट एडमिटेड बोथ मैन एंड वुमेन, ये भी बात हो चुकी है। ही प्रीच हिज टीचिंग्स इन प्राकृत द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, बहुत डिटेल बताया है प्राकृत के बारे में, फर्स्ट लेक्चर देखना जाके, ठीक है। इट इज़ सेड दैट हिज फॉलोअर्स नंबर 14,000 विच इज़ नॉट ए लार्ज नंबर, उस समय क्या 14,000 केवल इनके शिष्य थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है। एज जैनिज्म डिड नॉट वेरी क्लियरली डिफ्रेंशिएट इट सेल्फ फ्रॉम द ब्राह्मणिकल रिलीजन, इट फेल टू अट्रैक्ट द मासेस। देखो दिक्कत ये हुई थी, मैंने आपको कहा था ना, ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था, जो धर्म था, उससे बिल्कुल पूरी तरह से अपने आपको डिटैच नहीं कर पाया था, कौन आपका जैनिज्म, क्योंकि लोगों को चाहिए था एकदम नया धर्म। तो जैनिज्म कहीं ना कहीं तक, मैंने आपको कहा था ना थोड़ी देर पहले, ये कहीं ना कहीं तक कि कुछ ब्राह्मणों के जो कुछ संस्कार उनको अपने में समाहित किए हुए था, पूरी तरह तो नहीं कहूँगा, बहुत 5% कह लो, ठीक है, ऑन द स्केल ऑफ 100। इट फेल टू अट्रैक्ट द मासेस, ये बात होगी। डिस्पाइट दिस जैनिज्म ग्रेजुअली स्प्रेड इन टू द साउथ एंड वेस्ट इंडिया वेयर द ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज वीक, जहाँ आप देखो जहाँ जहाँ ब्राह्मणिकल रिलीजन वीक था, यानी ये साउथ इंडिया था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रिवेल था, ठीक है, वेदों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन साउथ इंडिया में इतना नहीं था, तो वहाँ आसानी से फैल गया कौन, जैनिज्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेट ट्रेडिशन द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका इज एट्रिब्यूटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कर्नाटका में तो आपको पता ही है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको, कैसे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, पार्ट 1 देखो जाके, वहाँ सब पता है मैंने। द कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म इन साउथ इंडिया सेड टू हैव बीन द ग्रेट फेमाइन दैट टुक प्लेस इन द मगधा 200 years after the Mahavira's death, the famine lasted for 12 years. And in order to protect themselves, many Jain migrated to the south under the leadership of Bhadravahu. Though the rest of the stayed back in the Magadha under the leadership of the Sthulbahu. सारी बातें हो चुकी हैं, पढ़ लेना फर्स्ट लेक्चर। At the time of the famine, they returned to the Magadha, where they developed differences with the local Jainas, who रिटर्न फ्रॉम द मगधा क्लेम्ड इवन ड्यूरिंग द फेमाइन दे सैड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द रिलीजियस रूल्स दे एलिग्ड टू दैट द जैना एस्केटिक्स लिविंग इन द मगधा हैड वायलेटेड दोज रूल्स एंड हैड बिकम लेक्स, ठीक है। तो जब भी वापस लौट के आए थे, मैंने ये बात बता चुका हूँ आपको, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया कि इन्होंने एकदम अपने सारे कस्टम चेंज कर दिए हैं, सारे रिचुअल्स चेंज कर दिए हैं, तो इस बात का विरोध किया इन लोगों ने, वो बिल्कुल इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आगे जाके।
ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो साउथ से लौट के आए थे वो अब भी जो है पूरी तरह स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। देखो पहले सारे के सारे जितने भी जैन्स मॉन्ग थे सारे के सारे कपड़े को नहीं धारण करते थे, देवर नेवर पुट ऑन द क्लोथ्स इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द सॉरी आफ्टर द डेथ ऑफ द महावीरा। बट आफ्टर वैन सम ऑफ द मॉन्ग्स वेंट टू द साउथ इन द कर्नाटका एंड द रिमेंड मॉन्ग्स इन द मगध एंड दे स्टार्टेड टू पुट ऑन द क्लोथ्स। तो दिक्कत ही यहाँ पे हुई थी इस बात को लेके, मेन यही था। एंड दे स्टार्टेड टू मैरिंग द गर्ल्स इन देयर रीजन। तो दिक्कत ये शादियाँ करने लगे थे वो लोग और जो है कपड़े पहनने लगे थे, तो मेन कंसर्न ही यही था क्योंकि उन्होंने जो बेसिक डॉक्ट्रिन थी महावीर की उसको वायलेट करना शुरू कर दिया था। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये बात तो काफ़ी बार हो चुकी है। ये देखो इन ऑर्डर टू शॉर्ट आउट दीज डिफरेंसेस एंड टू कंपाइल द प्रिंसिपल टीचिंग्स ऑफ जैनिज ए काउंसिल वॉज कन्वेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये, एंड पाटलिपुत्रा द मॉडर्न पटना, बट द जैनिज हु हैड रिटर्न फ्रॉम द साउथ बायकॉटेड इट एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट्स डिसीजंस। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड द सदर्न बिगेन टू वी कॉल्ड एंड द गंबरा मगध। सारी बातें वहीं लिखी हुई हैं, ठीक है ना। मतलब कि देखो क्या है कि जो यहाँ पे थे ना मगध वाले, जब इनको पता चला ये हमसे नाराज हो गए तो उन्होंने क्या करा, काउंसिल कराई अपनी, जिसको हम फर्स्ट जैन काउंसिल कहते हैं, और ये स्थूल बाहू ने हमारे कराई थी, ठीक है। तो स्थूल बाहू ने जब कराई काउंसिल को, तो ये जितने भी दिगंबर यहाँ पे जो लौट के आए थे वापस साउथ से, इन्होंने इसमें जाने से मना कर दिया और कहा कि जो इससे निकल के आए इस काउंसिल का रिजल्ट उसको हम मानेंगे नहीं। तो यहाँ पे झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द डिसीजंस ऑफ दिस काउंसिल, ये बात इंपॉर्टेंट है। पहली काउंसिल कहाँ हुई थी फिर से बता देता हूँ, पहली काउंसिल हुई आपकी 300 BC में, दूसरी हुई आपकी 500 AD में। पहली कहाँ हुई है, पाटलिपुत्र यानी पटना में, दूसरी आपकी बल्लभ यानी गुजरात में, याद रख लेना। ये किसने कराई है, स्थूल बाहू ने। ये किसने कराई है इसके बारे में जानकारी मेरे पास अभी है नहीं, मिलेगी तो बाद में बताऊँगा। चलो आगे बताते हैं, थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। इट इज़ हाउ एवर बियॉन्ड डाउट दैट द जैनिज वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट, बट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ द स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म इन कर्नाटका इज नॉट अर्लियर देन द 3rd century AD। इन सब्सिक्वेंट सेंचुरी स्पेशली आफ्टर द 5th century numerous Jain monastic establishments called basadis sprang up in the Karnataka and were granted land by the kings for their support। देखो एक बात याद रखना यहाँ पे और कि सब यहाँ लिखा हुआ है कर्नाटक में 3rd century BC से पहले के नहीं मिलते हैं, मतलब कि प्रचार प्रसार, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत पहले चले गए थे, 3rd century BC में चले गए थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है 3rd century AD की बात हो रही है, 600 साल का गैप आ रहा है बीच में। तो 600 साल के बीच के गैप में कह रहा है कि कोई एविडेंस मिलते नहीं कर्नाटका में जैन धर्म के प्रचार के। लेकिन एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब आता है केवल और केवल इससे, ये एक वर्ड यूज़ हुआ है बसाड़ीस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये होता है एक तरह से जैनिज्म का एक आप आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर समझ सकते हो उसको, इस तरह से ले सकते हो। तो बसाड़ीस क्या होता है, ये एक पूजा स्थल कह सकते हो उसको। ये स्प्रिंग अप हुआ कहाँ पर, कर्नाटका में, और ग्रांट किया किसके द्वारा, जो लोकल किंग्स थे उनके द्वारा सपोर्ट किया गया, ग्रांट किया गया, मतलब लैंड देखो लिखा है, दे वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग्स फॉर देयर सपोर्ट। तो ये बात आप इंपॉर्टेंट रहते हैं ना कि जो वर्ड है ना बसाड़ी, BASADIS, तो ये जैन वर्ड से रिलेटेड है, जैन रिलीजन से रिलेटेड है, ये बात याद रखना, ये पीछे से पूछ सकते हैं। जैनिज्म स्प्रेड टू कलिंगा एंड उड़ीसा इन द 4th century BC एंड इन द 1st century BC। इट एंजॉयड द पैट्रोनाइज ऑफ द कलिंग किंग खरवेला हु हैड डिफीटेड द प्रिंसेस ऑफ आंध्रा एंड मगधा। ये सारी बात हो चुकी है, मैंने आपको बताया था द गंगा किंग्स, ठीक है, और कदम किंग्स आपको बताया था मैंने, राष्ट्रकूट के बारे में मैंने आपको बताया था, चालुक्यों के बारे में मैंने आपको बताया था, और आपको मैंने बताया था मगध किंग यानी कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, और आपके खारवेल यानी कि उड़ीसा वाले खारवेल यानी कि कलिंग वाले। तो सारी बातें हमने पीछे करी हुई हैं, Part 3 में करी हैं सारी बातें, वहाँ जाके देखो। इन द 2nd and 1st century BC इट ऑल्सो सीम टू हैव रीच द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इन लेटर सेंचुरी जैनिज पेनिट्रेटेड मालवा गुजरात राजस्थान एंड नाउ इवर दीज एरियाज हैव ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ द जैनिज हु आर प्रिंसिपली इंगेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, आपको पता ही है जैनिज किस तरह फैल गया पूरे इंडिया में धीरे धीरे करके। ऑल द जैनिज डिड नॉट विन एज मच एज स्टेट पैट्रोनाइज एज डिड द बुद्धिज्म एंड डिड नॉट स्प्रेड वेरी रैपिडली इन अर्ली टाइम्स। मतलब कहने का यहाँ पे है कि बुद्धिज्म के जैसे बुद्धिज्म मान लो देखो स्केल पे अगर मैं बात करूँ ये 0 है यहाँ पे, यहाँ 0 है, बुद्धिज्म अगर इनिशियल टाइम में इतना फैला था, ये बी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो जैनिज्म केवल इतना फैला है, फैलने का मतलब इतना स्प्रेड हुआ है, ये डिफरेंस देखो।
ये क्यों है, इसके बहुत सारे हमने रीज़न की बात करी पीछे, ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। लेक्चर 3 या लेक्चर 2 में मैंने इसके बारे में बात करी है, और इस वाले लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में बात करी है इस बारे में। और एक बात आपको ध्यान रखनी यहाँ पे ये है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में चीज़ उल्टी हो जाएगी कुछ सालों बाद। यहाँ पे आपका आ जाएगा जे, यहाँ पे आपका आ जाएगा बी, यानी कुछ सालों बाद जैनिज्म बहुत तेज़ी पकड़ेगा और बुद्धिज्म एकदम स्लो हो जाएगा फैलना। और आजकल की डेट में आप देख सकते हो इंडिया में जैनिज्म का प्रभाव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज्म, और जो उनके जैनिज्म के जैन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल लोग कहे जाते हैं इंडिया में। द मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी इन इंडिया इज़ जैनिज्म, आप जाके सर्च कर लो गूगल पे, आपको मिल जाएगा ये बात, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आया था अभी किसी UPBCS में आई थिंक आया था, कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी इंडिया में कौन सी कम्युनिटी है, तो उसका आंसर था जैनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धिज्म वर्चुअली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। डिसअपीयर्ड तो नहीं हुआ है, वर्चुअली लिखा हुआ है, मतलब कि काफ़ी उसका पकड़ कम है ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन डिसअपीयर नहीं हुआ है। और चलो ये सारी बातें नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, मैंने बाकी बातें कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था अर्ली जैनाज डिस्कार्डेड द संस्कृत लैंग्वेज, बात हो चुकी है। प्रिंसिपली पैट्रनाइज बाय द ब्राह्मण्स एंड दे अडॉप्टेड इंस्टीट्यूट प्राकृत द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल टू प्रीच दे डॉक्ट्रिन्स, सारी बात हो गई। माफ़ करना, द रिलीजियस लिटरेचर वॉज रिटन इन अर्धमग्धी एंड द टेक्स्ट वर इवेंचुअली कंपाइल्ड इन द 6th century AD इन द गुजरात एट अ प्लेस ऑफ बल्लवी, ए ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो सेकेंड जो जैनिज्म काउंसिल होगी हमारे बल्लभी में गुजरात में, वहाँ पर सारे जितने लिटरेचर हैं वहाँ पर कंपाइलेशन होगा इन चीज़ों का, ठीक है। बता भी चुका हूँ आपको, 12 अंग करके मैंने आपको बात बताई थी, 12 अंग, ये बहुत बड़ा लिटरेचर है, लिटरेचर का कॉम्बिनेशन को कहते हैं जैनिज्म के। तो ये सारा कंपाइलेशन कहाँ पे हुआ है, आपके बल्लभी में हुआ है, ठीक है। और एक बात आपको याद रखना है कि जो महावीर स्वामी थे, महावीर थे, उन्होंने अपनी जो प्रीचिंग है, जो शिक्षाएँ हैं वो दी थी आपको प्राकृत भाषा में, लेकिन जो जितने टेक्स्ट लिखे गए हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं जैन धर्म के, वो सारे के सारे अर्धमग्धी में लिखे गए हैं, याद रखना इस बात को, अर्धमग्धी याद कर लो, ठीक है। देखो बोलने चालने वाली भाषा अलग है और लिखने वाली भाषा अलग है। द एडॉप्शन ऑफ द प्राकृत बाय द जैनाज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ देयर लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर, मैनी रिलीजन लैंग्वेजेस डेवलप्ड आउट ऑफ द प्राकृत, पर्टिकुलरली सौरशैनी एक वर्ड है, ठीक है, आपका मथुरा मिलता है, जो आपके 16 महाजनपद थे ना उसमें से एक सौरशैनी है, सौरशैनी। तो सौरशैनी जो है इसमें आपका, इसको शूरशैनी हिंदी में लिखते हैं, और ये जो है आपका मथुरा जो इसकी कैपिटल थी साम्राज्य की, ठीक है ना। और ये वही साम्राज्य जिसके आगे चल के जो कंस जो है इसी साम्राज्य में पैदा हुए थे, मतलब जो कंस थे ना मथुरा के राजा, तो ये इसी रिलेटेड है वो सारी चीज़ें। तो हल्की सी मैंने आपको आइडिया दिया, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच द मराठी लैंग्वेज डेवलप्ड, तो मराठी जो लैंग्वेज है वो सौरसैनी से निकली, और सौरसैनी जो है वो कहीं ना कहीं प्राकृत से निकली है, समझ में आ गया। देखो पहले लिखेंगे प्राकृत, फिर लिखेंगे सौरसैनी, फिर लिखेंगे आपकी मराठी, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। द जेनाज कंपोज द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन द अपभ्रंश एंड द कंपाइल्ड द फर्स्ट ग्रामर, तो जैनियों ने ही जो है पहला इंपॉर्टेंट वर्क किया है अपभ्रंश के अंदर, एक लैंग्वेज होती है अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है, याद रखना है, एक तरह का सेमी स्पोकन सिस्टम कह सकते हो इसको, मतलब कि अपभ्रंश जो है इससे बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस आगे चल के डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में आर्ट एंड कल्चर में बात करेंगे किस दिन, अपभ्रंश के बारे में। अभी आप ये समझ लो कि अपभ्रंश के थ्रू बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो नॉर्थ इंडिया की, वो सारी यहाँ से डेवलप होती हैं, और जितना अपभ्रंश की लैंग्वेजेस हैं उन सब में सबसे पहले जो ग्रामर के अंदर काम किया अपभ्रंश लैंग्वेज में, तो वो हमारे जैन धर्म के लोगों ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है अपभ्रंश वाला। आगे चलते हैं, जैन लिटरेचर कंप्राइज एपिक्स पुराण्स नॉवल्स एंड ड्रामा, ए लार्ज परसेंटेज ऑफ द जैन राइटिंग इज स्टिल इन द फॉर्म ऑफ द मैनुस्क्रिप्ट, मतलब हस्तलिखित, इसका मतलब होता है हस्तलिपि, हस्तलिखित, और हाथ से लिखा हुआ मतलब, दैट हैव येट टू बी पब्लिश्ड एंड विच आर टू बी फाउंड इन द जैन श्राइन्स ऑफ द गुजरात एंड द राजस्थान। ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन द अर्ली मेडिवल टाइम द जैनाज ऑल्सो मेड
सब्सटेंशियल यूज ऑफ द संस्कृत एंड रोट मैनी टेक्स्ट इन इट बट नॉट द लीस्ट दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कन्नड़ा इन विच दे रोट एक्सटेंसिवली। आपको जैन धर्म के बहुत सारे जो, क्योंकि कर्नाटका में क्या है ना, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ जैन धर्म बाद में जाके कर्नाटका में स्पेशली और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में। तो उसका रीज़न ये था क्योंकि जो सारे जो मॉन्क्स से चले गए थे कुछ ना कुछ अपने छोड़ आए थे, सारी सारी जो है अपनी टीचिंग से अपनी प्रीचिंग्स को छोड़ के आए थे, बाद में फिर कुछ लोग गए थे वहाँ फैलाने के लिए। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे केवल सिंपल से इतना सा है कि ऐसा नहीं कि इन्होंने संस्कृत को यूज़ नहीं किया। देखो यहाँ से क्या है, इंपॉर्टेंट बात निकलती है। क्वेश्चन आपसे कहेगा क्या जैन धर्म के लोगों ने संस्कृत में बिल्कुल भी नहीं लिखा है, तो आंसर हो जाएगा गलत। संस्कृत का इन्होंने यूज़ किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज का यूज़ किया, कन्नड़ा का यूज़ किया। आप कहोगे अर्धमग्धी में लिखा है पीछे पता है, लेकिन भाई संस्कृत में भी कुछ टेक्स्ट लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूपीएससी वाले स्टेटमेंट में डाल के पूछ लेंगे क्या संस्कृत का इन्होंने यूज़ किया था नहीं किया था, तो आप कहोगे नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, इनिशियली द लाइक द बुद्धा एंड द जैन्स वर नॉट इमेज वर्शिपर्स, लेटर दे बिगिन टू वर्शिप महावीर एंड ऑल्सो द 23 तीर्थंकरास। तो क्या है कि देखो इनिशियली क्या है कि जो है मूर्ति पूजा के सपोर्टर नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। ये क्वेश्चन आया किसी ना किसी दिन आएगा, किसी ना किसी साल पूछा जाएगा ये मूर्ति पूजा वाला। तो पहले क्या है, पहले जो जैनी थे वो मूर्ति पूजा के सपोर्टर नहीं थे। ठीक है, बुद्धिस्म में भी ऐसी था पहले, वो जो है जैसे उसमें हीनयान महायान हो जाएगा ना आगे, इसको पढ़ाऊंगा मैं उसके बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में। तो ऐसे ही इसमें है कि मतलब पहले बुद्धिज़्म की तरह ही जो जैनिज्म धर्म के जो लोग थे वो नहीं मानते थे मूर्ति पूजा को, लेकिन बाद में उन्होंने धीरे धीरे करके अपने महावीर की और 23 तीर्थंकर हुए इन सबकी पूजा करना शुरू कर दिया। और बाहुबली की मूर्ति तो आप जानते हो लगी कर्नाटका में, उसकी पूजा तो होती है हर 12 साल में। ठीक है, तो ब्यूटीफुल एंड समटाइम्स मासिव इमेजेस इन स्टोन वर्स स्कल्पचर्ड फॉर दिस पर्पज स्पेशली इन कर्नाटका गुजरात एंड राजस्थान एंड एमपी। सारी बातें लिखी हैं यहाँ पे आपको, स्पेशली इनकी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हस्तिनापुर एक जगह है मेरठ के पास पड़ती है, वहाँ पे आप जाइए, बहुत ही बढ़िया एक मंदिर बना हुआ है जैन धर्म का हस्तिनापुर, फेमस इसलिए है। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, एक मंदिर नहीं काफ़ी सारे मंदिर हैं वहाँ पे। तो जैन धर्म की बहुत बड़ी श्राइन है वहाँ पे, बहुत बड़े आपको मूर्तियाँ मिलेंगी देखने को, सारे जितने तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन आर्ट इन द एंशियंट टाइम इज़ नॉट एज रिच एज बुद्धिस्ट काउंटर पार्ट बट जैनिज्म कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू आर्ट एंड लिटरेचर इन मेडिवल टाइम। देखो इनिशियली एंशियंट हिस्ट्री की जब हम बात करें तो जैनिज्म ने इतना ज़्यादा जो है जो आर्किटेक्चर है या फिर जितना भी आर्ट है उस समय की जो कला है उसमें इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन मेडिवल टाइम में जैसे आपको पता है बहुत सारे मंदिर बने हैं जैन धर्म के, तोड़े भी गए बहुत सारे लेकिन बने भी बहुत सारे हैं। तो मेडिवल टाइम में काफ़ी ज़्यादा जैन धर्म आगे निकल गया था, किससे, जैन धर्म मेडिवल टाइम से ही आगे निकल गया था बौद्ध धर्म से, ये बात याद रखनी है। लेकिन एंशियंट टाइम में बौद्ध धर्म में काफ़ी हद तक जो है रिटेन करके रखी है अपनी फर्स्ट पोजीशन, ऐसा समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एक बुक और है छोटी सी, यहाँ मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पे सेकंड अर्बनाइजेशन की बात की है, मैंने आपको बताया सेकंड अर्बनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों, क्योंकि पहला अर्बनाइजेशन हमारा हड़प्पा मानते हैं हम लोग, और सेकंड वाला ये जो हमारा गंगा के प्लेन के आसपास हुआ था। ठीक है, ये देखो सेकंड पॉइंट दिखा, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। जातक स्टोरी टेल्स अस दैट ट्रेडर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम मगधा एंड कौशला वाया मथुरा एंड तक्षशिला। तो जातक स्टोरी बताते हैं, जातक मतलब जातक होते हैं आपके बौद्ध धर्म के। तो ये स्टोरी बताते हैं कि वो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो मगध मतलब यहाँ पे, और कौशल मतलब यहाँ पे, और मथुरा यहाँ पे, और तक्षशिला बहुत यहाँ पे। तो ये सारे प्लेस जो है ट्रेडर्स घूमते थे, मतलब व्यापार तो होता था अच्छे से। ठीक है, ये बात ये लोग बताते हैं। और बैकग्राउंड ऑफ नीड ऑफ अ न्यू रिलीजन के बारे में बात लिखी हुई है, मैंने सारी बातें कर दी फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। पीपल वॉन्टेड सम काइंड ऑफ द रिप्री फ्रॉम द न्यू सोशल प्रॉब्लम्स लाइक वायलेंस क्रुएल्टी थेफ्ट हेफ्टेड एंड फ्लैशहुड फॉल्सहुड देयरफॉर व्हेन न्यू रिलीजन सच एज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रीच्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीस एंड सोशल इक्वेलिटी पीपल वेलकम्ड इट दीज रिलीजन्स एम्फसाइज्ड दैट ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल्स बट इन चैरिटी फ्रुगैलिटी एंड नॉन वायलेंस एंड गुड सोशल कंडक्ट बिसाइड्स द जनरल इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैड लेड टू राइज ऑफ द वैश्याज एंड अदर मर्चेंट ग्रुप्स हु वॉन्टेड बेटर सोशल पोजिशन दैन द ब्राह्मणास गिव दैम देयरफॉर दे प्रिफर टू पैटर्नाइज नॉन वैदिक रिलीजन लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म
थ्रू सब्सटेंशियल डोनेशन, डोनेशन दान दक्षिणा के बारे में बात की थी, दान दिया बहुत सारा वैश्यों ने, जितने भी जो मर्चेंट क्लास थी जो उसने क्या किया, जैन धर्म बौद्ध धर्म को बहुत सारी दान दक्षिणा दी थी। हिंदी में लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही नहीं बल्कि आजीवक जैसे 62 और धर्मपंथों ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। आजीवक के प्रणेता मक्खली घोष, ये बात मैंने आपको बता दी है। जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी बात और लिखी है, देखते हैं लास्ट लास्ट पेज हमारा। तो वर्धमान महावीर के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि संस्थापक माना जाता है इनका जन्म का, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है, डेट गलत दी है यहाँ पे। और ये सारी बात मैं देख लेता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट है कि नहीं। पंच महाव्रत के बारे में बात करी थी, ठीक है, और ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं। त्रिरत्न के बारे में बात करी, ठीक है, सारी बातें वही लिखी हुई हैं। और अणुव्रत के बारे में बात करी, देखो वही सब आगे, गृहस्थ से इन गुणों के अभ्यास के ऊपर रूप का निरीक्षण करने की मांग की जाती है, जिसे अणुव्रत कहा जाता है। छोटा स्वरूप होता है अणुव्रत सन्यासियों की तुलना में। अनेकांतवाद के और स्यादवाद के बारे में बात करी डिटेल में जाके हमने, सत्य को कई कई एंगल से परसीव किया जा सकता है, सत्य को यानी ट्रुथ को। और ये सब तपस्या का चरम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि एकदम द हार्ट पिनेंस जिसको कहते हैं, ये सारी बातें हुई हैं। ये सारी बातें लिखी हैं दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में, किस तरह बटा किया हुआ, छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो ये एक पूरी बुक थी ना हिंदी वाली, तो मैंने वहाँ से उठाया इसको, ट्रांसलेट करके लिखा था मैंने एक बार। तो ये सारे हमने जो कि जैन धर्म की 8 या 9 किताबें हैं वो हमने कंप्लीट करी हैं। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने चैलेंज आपको दिया था, तो अब हम सारे जैन धर्म के जितने क्वेश्चन आए UPSC के IAS के, अब वो सॉल्व करेंगे। अब आप देखना कैसे उंगली चुटकी बजा के सारे क्वेश्चन होंगे। इवन मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखे हुए हैं, मुझे भी नहीं पता कैसे क्वेश्चन है, चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक दो चीज़ें बाहर हो सकती हैं हमारे पढ़े हुए से, लेकिन सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली हैं, उनसे मुझे पूरी उम्मीद है। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ देखना, अनेकांतवाद के बारे में पूछा गया, देखना ही नहीं है, जैनिज्म इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ देखो, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री, ये एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना, ये तीन स्टेटमेंट पढ़ना, इसमें से कौन सा सही, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, उसके हिसाब से इसको हमें आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। तो देखो पढ़ो, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अभी हमने बुद्धिज्म नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी हम इस पर क्वेश्चन को नहीं करेंगे, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं। एक बार हम जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ वाले क्वेश्चन को, केवल हम जैनिज्म वाले क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल अभी, ठीक है। ये बुद्धिज्म का क्वेश्चन है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये बुद्धिज्म का क्वेश्चन है, नहीं पढ़ना है। और देखो इसमें लिखा है कौन एक दूसरे का कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन नहीं था, तो देखो बिंबिसारा, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित और मिलिंद, ठीक है। मिलिंद अगर आप एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानते हो तो मिलिंद आपको समझ में आता है कौन थे मिलिंद, ठीक है। और गौतम बुद्ध, प्रसेनजित और बिंबिसारा की बात हमने करी है 16 महाजनपद वाले चैप्टर में, जाके पढ़ लो, सेम मैंने बात 25 बार रिपीट करी है। और महावीरा, देखो मैं आपको 4 लोग बताता हूँ, बिंबिसारा, बिंदुसार, प्रसेनजित और महावीर, चारों एक दूसरे के समकालीन थे, इसमें महावीर नहीं लिखा, मैं अलग से बता रहा हूँ। चारों एक मतलब एक ही टाइम में हुए थे, मतलब आसपास के, मतलब एक दूसरे से मिले भी थे ये लोग, ठीक है। और ये सारी बातें देखो, मिले थे नहीं ये नहीं पता है, ठीक है, मिलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लेकिन अजात शत्रु की मीटिंग हुई थी गौतम बुद्ध से, यह याद रख लेना, ये बात कन्फर्म है। लेकिन क्या बिंबिसारा जो है गौतम बुद्ध और महावीर से मिले थे, ये बात अभी तक कन्फर्म नहीं है। ये कंप्लीट हो गया। ये देखो जैनिज्म के बारे में बात करी गई है, द एम्फेसिस ऑफ द जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्बार्सिंग जैनिज्म, बिल्कुल सही बात है। कल्टीवेशन इन्वॉल्विंग किलिंग ऑफ द इंसेक्ट एंड द पेस्ट, बिल्कुल एक दूसरे का एक्सप्लेन करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। बहुत तार तक ट्राइड स्टेटमेंट एंड इट एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल। कितनी बार हमने एग्रीकल्चर वाली बात करी है, देखो सारे क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे, अब ये क्वेश्चन करना नहीं ऊपर वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म तो इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी निकल जाएगा अपने आप। इन द पोस्ट वैदिक टाइम्स सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड इंटू 4 वर्ण, ये
द टू हेड वर्णज ब्राह्मणज एंड द क्षत्रियज वर प्लेस्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। कितनी बार, 120 बार, सॉरी कितनी बार मैंने इसको बताया देश के बारे में आपको, कितनी बार ये वर्ड यूज़ हुआ हमारे चैप्टर में, ठीक है निकल गया। ये सारे हम यूपीएससी क्वेश्चन कर रहे हैं आईएएस के, तो आप देख सकते हो लेवल हम लोगों का। ये देखो, द अर्लीस्ट कॉइन बिलोंग टू द 5th सेंचुरी BC एंड दे कॉल्ड द पंच मार्क कॉइन्स दैट वर सर्कुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द फर्स्ट टाइम। अभी इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में मैंने बताया स्टार्टिंग में पंच मार्क कॉइन के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि बिहार और यूपी वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भैया, डायरेक्टली बुक से उठ के आता है क्वेश्चन, ठीक है जो मैंने बताई है आप सारा पढ़ लो, उसी से क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ब्राह्मणिकल सोसाइटी एक्सटेंडेड जनरल सपोर्ट टू द बौद्ध महावीर एंड इतना इतना, किस जो सोसाइटी है उसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था आपके गौतम बुद्ध और महावीर को, तो आंसर हो जाएगा वैश्य। कितनी बार बताया मैंने ये बात भी। अच्छा कोई आपसे पूछे कि वैश्यों के अलावा किसने सपोर्ट किया था, तो आपको क्षत्रिय हो जाएगा, लेकिन नंबर 1 पे आपको वैश्य ही लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन ऑफ द वैदिक पीरियड डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम, इसमें से किस धर्म ने वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं किया। अभी इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में, इसी लेक्चर जिसमें हम बात कर रहे हैं, इसी मैंने आपको जो है जैन धर्म में बताया था कि किस तरह कास्ट सिस्टम को ही मानते थे, अपर कास्ट लोअर कास्ट। अच्छे काम करोगे तो लोअर, मतलब अच्छे काम करोगे तो अपर कास्ट मिल जाएगा अगले जन्म में, और गंदे काम करो, बुरे काम करोगे तो लोअर कास्ट मिल जाएगी, ऐसा ये मानते थे। ठीक है तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम द, ये फेमाइन के बारे में लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कौन सा जो है सदर्न स्टेट से कौन से वापस आए थे मगध की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा दिगंबरा। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, पढ़ना नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द अणुव्रता इज एडवोकेटेड बाई जैरिज्म, कितनी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है अभी तक गाइस एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, जितना हमने पढ़ा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया अभी तक। द एम्फेसिस ऑफ द जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड द एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्पार्सिंग जैनिज्म, ठीक है ये बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, कल्टीवेशन इन्वॉल्विंग किलिंग्स ऑफ द इंसेक्ट इन द पेस्ट, ये भी सही है, दोनों एक्सप्लेन करते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन हो गया, ये आई थिंक रिपीट है। विद रिस्पेक्ट टू द एंशियंट जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैनिज्म वाज स्प्रेड इन द साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द स्थूलवाहु, एकदम गलत। द जैन्स हु रिमेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द भद्रवाहु वर कॉल्ड श्वेतांबरा, ये भी गलत। जैनिज्म एंजॉयड द पैट्रोनाइज ऑफ द कलिंग किंग खारवेला इन द 1st सेंचुरी BC, ये बिल्कुल सही है। ठीक है 1st सेंचुरी BC वाली बात भी मैंने बताई है, कब खारवेला हुए थे। ठीक है ये बात बिल्कुल सही है। देखो यहाँ क्या लिखा है, इनिशियली इन द इनिशियल स्टेट जैनिज्म द जैनाज वर्शिप्ड इमेज अनलाइक बुद्धिस्ट, ये बात तो मैंने अभी 10 मिनट पहले करी है कि सबसे लास्ट पॉइंट ये था मूर्ति पूजा वाला, कि ना तो बुद्धिज्म लोगों ने और ना ही जैनियों ने मूर्ति पूजा करी है स्टार्टिंग में, बाद में शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको महायान सपोर्ट करेंगे और ये लोग क्या श्वेतांबर सपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन, सारे पढ़ लेते हैं। द श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, सही बात है। ठीक है कर्म को देखो, एनहिलिंग मतलब होता है कर्म को मारना, ठीक है क्योंकि कर्म करोगे कुछ भी तो आप जो है पापी बन जाओगे, ऐसा माना जाता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। और एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सोल, ये बात भी हुई है, ये बात भी हुई है। कर्मा इज द बैन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, तो कर्म को ख़त्म करने की बात की जाती है जैनिज्म में, मैंने आपको बताई थी ये बात, डिटेल में इतना नहीं बताई थी लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में जाके देखो। ठीक है ना, जो आत्मा है कोई भी आप कर्म करोगे, ऐसे ही आप कर्म करोगे तो आपको क्या है कुछ ना कुछ आपकी सोल के लिए वो दिक्कत होने वाली है बात, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे हमारे। ठीक है अगला देखते हैं, ये आ गया जी क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन उठ के आया आपके 11th क्लास के तमिलनाडु बोर्ड की NCERT से, और ये बात तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो ये यूनिवर्सल लॉ के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल लॉ इसको, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं एटर्नल लॉ, कभी लिख के आया ना एग्जाम में एटर्नल लॉ, तो आप इसको लगा देना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अभी तक सारे क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है जो हमारे से नहीं निकला है। ये देखो बाहुबली वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने इसको कितनी बार अभी बकाया इस बोला है, मतलब इस लेक्चर में बोला है, पिछले लेक्चर में बोला है बाहुबली के बारे में। ठीक है और ये देखो महाभिनिष्क्रमण, महामस्तक, महामस्तक अभिषेक का, जो कि हर 12 साल में होता है कर्नाटका में,
तो इनकी इमेज को दूध और दूध से नहलाया जाता है बाहुबली की, ये मैंने आपको बताया था, ये देखो क्वेश्चन में हमारे लेक्चर से है। अगला देखते हैं, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन द इंडिया, और ये स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू, स्थानकवासी सेक्ट वाले जो क्वेश्चन आया है ये जो है क्वेश्चन हमारे अभी तक उससे नहीं है, स्थानकवासी वाला क्वेश्चन जो है ये हमारी बुक से थोड़ा सा हमारे जो चैप्टर है उनसे बाहर चला गया, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन स्थानकवासी का मतलब होता है जो एक स्थान पर रह के, आई थिंक ये श्वेतांबर वाले लोग ही आई थिंक बात कर रहे होंगे, पर ये चलो नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे उससे बाहर आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे उससे बाहर चला गया। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्ली जनरल लिटरेचर, और ये इसमें लिखा हुआ है सूत्र, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इसके बारे में हमने बात करी, ये तो देखो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो देखो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सूत्र कृतंगा जो है मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, आपको समझ में आया होगा पहले लेक्चर में, और अचरंग सूत्र ये मैंने आपको बताया, सारे सूत्र जितने भी होते हैं जैरिंग में होते हैं, ठीक है, और इसमें ये तीन ऑप्शन दिए, चौथा कहाँ चला गया, चलो कोई नहीं, तो ऐसे आपको एलिमेट करके निकालना था इसमें, तो इसमें लिखा है कौन इसका पार्ट नहीं है, तो आप इसमें पहुँच सकते हो आसानी से। तो सूत्र के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, इस सूत्र के बारे में मैंने आपको ना 16 महाजनपद वाले चैप्टर में बताया, वहाँ जाके पढ़ना है इसको, थोड़ा सा डिटेल में मैंने दिया है लास्ट में, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो, तो ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया। ये देखते हैं, वर्धमान महावीर मदर वॉज द डॉटर ऑफ द, ये बिल्कुल सही बात है पहला स्टेटमेंट, गौतम बुद्ध मदर वॉज द प्रिंसेस फ्रॉम द कौशल्या डायनेस्टी, एक्चुअली ये गलत इसलिए है ना पहला वाला, मैं बताऊँ गलत है एक्चुअली, ध्यान से देखो, वो डॉटर नहीं उसकी बहन थी चेतक की, चेतक की जो है बहन का नाम था, उसका नाम था शायद त्रिशला नाम था, हाँ त्रिशला, तो चेतक की बहन त्रिशला थी जिसका शादी हुई थी आपके सिद्धार्थ से, यानी पापा से, सिद्धार्थ कौन थे पिताजी थे इनके महावीर के, लेकिन जो इनकी बेटी थी उसकी शादी बिंबिसार से हुई थी, ठीक है, ये पर थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर याद रख लेना, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और दूसरा गौतम बुद्ध वाला ये तो बिल्कुल सही बात है, इसको मैं जब गौतम बुद्ध पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थन का बिलोंग टू बनारस, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने बताया था काशी के राजा के पुत्र थे, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारे लेक्चर से निकल गया। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बौद्ध जैनिज्म बुद्धिज्म, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो है बुद्धिज्म के बारे में बात करी जा रही है। तो इस तरह से हमने देखो सारे क्वेश्चन करे, करीब हमने 25 के करीब क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, 24 से 25, तो उसमें मतलब 24-25 में हमने करीब 15-16 डिस्कस करे, क्योंकि बाकी जैनिज्म के हैं, तो जब जैनिज्म पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं इस पर आऊँगा, तो जितने 15-16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं IAS में आए हुए जैनिज्म से, तो उसमें से एक क्वेश्चन स्थानकवासी वाला हमारे पूरे जितने लेक्चर हमने बनाए हैं उसमें से बाहर गया है, बाकी भी बाहर नहीं गया है, तो आप हमारा सक्सेस रेशियो या जो हमारा सिलेक्शन रेशियो यहाँ से आप समझ सकते हो। तो इस तरह मैंने पूरा पढ़ाया, इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बुद्धिज्म के बारे में, तो ये लेक्चर था हमारा पार्ट 4 था, चलिए ठीक है, थैंक यू, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।